तो दोस्तों मैं अभी YouTube में हूं। अगर मैं यहां पे सर्च कर दूं जादुई कहानी, तो आप देखेंगे यहां पे जादुई कहानी कार्टून आएगी और फ्रेंड्स उस पर कितने सारे व्यूज होंगे। ये देखिए यहां मैंने लिख दिया जादुई कहानी और ये सर्च कर दिया। अब देखिए यहां पे 2 घंटे में 8.5K जादुई समुंदर, 8.3 लाख व्यूज 5 दिन के अंदर। और फ्रेंड्स यहाँ पे जादुई घोंसले का घर 18 लाख 3 मंथ में और 1.5 लाख व्यूज 1 महीने में, 10 करोड़ 2 साल हो गए इस वीडियो को। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे हर जादुई कहानी पे 1 लाख 2 लाख व्यूज, करोड़ तक व्यूज है। यहाँ पे अगर इनकी कमाई की बात करेंगे दोस्तों, आप तो लाखों में कमाई है यहाँ पे, हर महीने ये काफी सारे डॉलर में कमाई करते हैं। और फ्रेंड्स ये सारी हिंदी कहानियां हैं और ये कहानी अपने मोबाइल से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं फुल प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी जादुई कहानी आप देखेंगे उसमें फ्रेंड्स लाखों में व्यूज हैं। ये देखिए 5.2 लाख व्यूज 1 मंथ, 4.3 लाख व्यूज 5 मंथ, और यहाँ पे देखिए एक कहानी ये है 5.5 लाख 3 मंथ, और यहाँ पे फ्रेंड्स 29 करोड़ 5 साल में व्यूज। यानी कि ये वीडियो जो है 5 साल पहले डाला था और आज तक ये कमाई करके दे रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए 7.4 लाख व्यूज 3 वीक एगो। ऐसे करके फ्रेंड्स आप एक कहानी अपने मोबाइल से बनाकर हर हफ्ते, आप रोज मत डालिए, हर हफ्ते डालिए, एक टाइमिंग एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए आपको कहानी डालनी है। और फ्रेंड्स जैसे ही आपकी 10 कहानी यूट्यूब पे पड़ जाएंगी, आप यहाँ से अच्छी खासी कमाई करने लगेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका उस प्रॉब्लम को दूर करके दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अभी लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स ऐसी जादुई कहानी हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2-3 ऐप चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 ऐप का यूज किया है। पहली ऐप है पोजमैक्स और दूसरी ऐप है क्रोमाटून। यहाँ इन दोनों को मैंने 2 अलग अलग कार्टून बनाए हैं और इन्हीं से फ्रेंड्स मैं आपको कहानी बनाकर दिखाऊंगा। देखिए यह है क्रोमाटून और यह है पोजमैक्स। यहाँ पे मैंने एक लड़का एक लड़की ली है पोजमैक्स से और यहाँ से एक चुड़ैल ली है, और इनका फ्रेंड्स मैंने ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो बना लिया है। इसे सिर्फ अच्छे से एडिट करना है। एडिट करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो आप स्किप कर देंगे तो छोटे छोटे पॉइंट जो वीडियो एडिटिंग में है वो आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं काइन मास्टर को यहाँ ओपन करता हूँ। मैंने ये वीडियो इन दोनों से बना लिए हैं। तो दोस्तों यह है काइन मास्टर, इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ सबसे पहले आएगा न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक कर देंगे न्यू प्रोजेक्ट पे। और फ्रेंड्स न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यह आपसे पूछता है आपको यूट्यूब शॉर्ट बनाना है या वीडियो बनाना है। तो यूट्यूब का साइज होता है 16.9, इस पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा काइन मास्टर का। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से सबसे पहले जो भी आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रखा है यानी कि लिया है उसे आप यहां पे ले आएंगे। तो मैं सबसे पहले यहां पे बैकग्राउंड ले आता हूं। देखिए यह है जंगल का एक बैकग्राउंड, इसे मैं ला के यहाँ इतना बड़ा कर लूंगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसे करीब 32 सेकंड का कर लिया है। और फ्रेंड्स इस पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे पैन जूम मिलेगा, इसे पैन जूम कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स हमारा वीडियो फुल स्क्रीन हो जाए। ये देखिए हमने पैन जूम कर लिया और ये जंगल का बैकग्राउंड है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी कहानी के बारे में सोचना है, आपकी कहानी क्या है। तो मेरी कहानी यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, 2 बच्चे हैं, 2 भाई बहन हैं और दोनों ही जंगल में भटक गए हैं। और फ्रेंड्स उसे भटकते हुए उन्हें एक चुड़ैल अपने जाल में फंसाती है और फ्रेंड्स उनके लिए एक जादुई मेला जो कि गांव में लगता है अक्षर मेला, वो जंगल में बना देती है और वो जंगल में भटके हुए बच्चे उस मेले में जाते हैं। तो ये कहानी है मेरे दिमाग में, तो इसी तरीके की मैंने यहाँ पे एडिटिंग करनी है।
तो मुझे अब क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों को ले आना है। तो फ्रेंड्स ये है देखिए एक बच्ची जिसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब इसका क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करके फ्रेंड्स इसको हमें क्रॉप कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा क्रॉप, ये देखिए क्रॉपिंग, इसे ऑन कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैं इसे क्रॉप कर लूंगा, ये देखिए फ्रेंड्स इसे क्रॉप करना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये देखिए क्रॉप हो गया है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे अब यहाँ से, और फिर से एक बार क्रॉप करेंगे क्योंकि ये ऊपर से नहीं हुआ है, हमने बड़ा कर लिया था इसको। तो ये देखिए मैंने इतना इसको क्रॉप कर लिया, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्रॉप हो गया। अब देखिए ये लड़की यहाँ से चलती भी आ रही है। और फ्रेंड्स क्या करना है, इसका बैकग्राउंड यहाँ से हटा देते हैं, हैंड टू हैंड यहाँ पे बैकग्राउंड भी हटा देंगे। तो देखिए हमने इसका बैकग्राउंड भी हटा दिया, अब ये लड़की यहाँ पे चलती हुई हमें मिल जाएगी, ये देखिए सीधे चलती हुई आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स हमें इसे सीधे नहीं चलाना है, इसे साइड से चलाना है या आप जैसे भी चला सकते हैं। तो पोज मैक्स जो ऐप है उससे आप इसे चला सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ से घूम रही है, ये देखिए यहाँ से उधर चलने लगी है। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा कर इसे आगे बढ़ा दूंगा, और ये देखिए हमने इसे आगे बढ़ा दिया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी ये लड़की यहाँ पे चलने लगी है। अब इसे बैकग्राउंड के बराबर कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं फ्रेंड्स, बैकग्राउंड के बराबर नहीं करते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा वीडियो बनाकर नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए अब ये लड़की हमारी यहाँ पे आ गई है फ्रेंड्स, इसे यहाँ से उठा के पीछे कर देते हैं क्योंकि ये जंगल में भटके हुए है। अब एक लड़का भी यहाँ पे ले आते हैं, तो लड़का लाने के लिए वही प्रोसेस करेंगे हम, ये है वो लड़का, इसको यहाँ ले आएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे लाने के बाद देखिए ये लड़का कहाँ से चलने लगेगा, ये देखिए अभी तक चल नहीं रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको उड़ा देंगे, इस बार भी लेयर को यहाँ पकड़ के फिर आगे ले आएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लड़का भी चल रहा है, अब इसके साथ भी वही करना है जो हमने लड़की को क्रॉप किया था, इसके साथ भी इसे क्रॉप कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसे क्रॉप कर लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स जो फालतू का पार्ट है उसे मैंने रिकॉर्ड करते समय, स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय ले लिया था फ्रेंड्स। ये देखिए अब ये लड़का भी यहाँ पे चल रहा है। अब फ्रेंड्स लड़के वाली लेयर पे एक बार क्लिक करेंगे और इसका भी क्रोमा की यहाँ से ऑन कर देंगे, ये देखिए हमने इसका क्रोमा की यहाँ से ऑन किया। और फ्रेंड्स इसे अब प्ले करके देखते हैं, तो ये दोनों चल रहे हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, लड़के को थोड़ा बड़ा कर लेना है, लड़के को हमें बड़ा दिखाना है, तो लड़के को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये लड़की यहाँ पे नहीं दिख रही है, लड़का सामने आ गया है। तो इस साइड यहाँ थ्री डॉट दिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ कर देंगे सेंड टू बैकवर्ड, तो ये लड़का उस साइड चला जाएगा। अब प्ले करके देखेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए लड़का लड़की दोनों चल रहे हैं। अब एक बार इसे क्लिक करके लड़के को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और लड़की को थोड़ा सा इस साइड कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आप प्ले करके इसे देखेंगे तो ये जंगल में भटके हुए लग रहे हैं, ये देखिए बात करते हुए आगे चल रहे हैं। और अचानक इन्हें एक मेला दिखेगा, ये देखिए यहाँ तक ये आ गए हैं। तो ये फालतू का पार्ट है, मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये उड़ा देते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक कट दे देंगे, तो यहाँ कट करने के लिए यहाँ स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए ये गायब हो जाएंगे, लेकिन हमारा अगला सीन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ हमें एक चुड़ैल दिखानी है, तो यहाँ से मैं एक चुड़ैल को देखिए, ये है चुड़ैल, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। और फ्रेंड्स इसको लाने के बाद इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, ये है क्रॉप, और इसे यहाँ से क्रॉप कर लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से मैंने क्रॉप किया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये चुड़ैल आ गई है और ये फ्रेंड्स हवा में है, ये देखिए हवा में है ये चुड़ैल उड़ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके क्रोमा की को ऑन कर देते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड यहाँ से चला जाए, और ये क्रोमा की हमने ऑन किया। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमारी चुड़ैल जो है, ये देखिए फ्रेंड्स हवा में ऊपर नीचे है, तो इसे और ऊपर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और चाहें तो फ्रेंड्स इसको उठा के आप अभी से दिखा सकते हैं क्योंकि चुड़ैल यहाँ पे आ गई है। आप कहानी कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही चुड़ैल आएगी, इन बच्चों को नहीं दिख रही है, तो ये देखिए चुड़ैल हवा में उड़ रही है, और यहाँ पे ऐसे करके आप ये कहानी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये सोच रही है मैं एक
यहाँ पे जंगल में मेला लगा देती हूँ, ये सब सोचेगी यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड से इसे उड़ा देते हैं। फ्रेंड्स अगले सीन में हम यहाँ पे ले आते हैं एक बैकग्राउंड मेले वाला। तो यहाँ पे देखिए मेले वाले मेरे पास काफी सारे बैकग्राउंड है, मैंने डाउनलोड कर रखे थे। तो यहाँ पे है ये देखिए एक मेले का बैकग्राउंड, इस वाले को यहाँ ले आते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये बच्चे यहाँ से अचानक जंगल में घूम रहे हैं, इसे थोड़ा कर लेते हैं पैन जूम। तो ये देखिए मैंने यहाँ इसे पैन जूम कर लिया, अब यहाँ से करते हैं इसे बैक। और फ्रेंड्स इस वाले बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा करते हैं, और फ्रेंड्स इस वाले को जो हमने लेयर ली थी इन दोनों को डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने एक को डुप्लीकेट किया और इसको पकड़ के आगे ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको ले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए अचानक इनको मेला दिखने लगेगा। ये देखिए ऐसी कुछ कहानी देनी है। अब दूसरे वाले को भी यहाँ लड़की वाले को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये देखिए लड़की वाले को डुप्लीकेट करते हैं और इसको भी फ्रेंड से यहाँ पे ले आते हैं। देखिए ये भी उस लड़के के पास ले आएंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखिए ये दोनों अचानक मेले में आ जाएंगे। ये देखिए अचानक मेले में आ गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, ये देखिए ये एक ही जगह खड़े हैं। तो चाबी पे एक बार क्लिक करेंगे, अपनी लेयर पे क्लिक करेंगे, चाबी पे एक बार क्लिक करेंगे, और फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे उंगली से इसे आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए आगे आ जाएगा, ये यहाँ से इसे गायब भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद लड़की पे फिर से चाबी पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इस लड़की को भी यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। ये देखिए अब ये आगे बढ़ते हुए दिखने लगेंगे हमें। ये देखिए यहाँ से ये आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे करके आप एक कहानी अच्छी सी बना सकते हैं। अब देखिए हमारी जो बच्चे यहाँ पे दोनों आ गए थे ये मेले में, इस पे भी हमें वही करना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा छोटा था फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब इस वाली लेयर पे क्लिक करना है, चाबी पे क्लिक करना है, आगे बढ़ाना है और इसको आगे कर देना है। ये देखिए यहाँ से ये अगले बैकग्राउंड में चले जाएंगे। अब इस वाली पे भी यही करना है, चाबी पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको भी आगे बढ़ा देना है। ये देखिए यहाँ से ये अब अचानक से मेले में आ गए हैं। ये देखिए मेला आ गया है, इसे अच्छे से सेट कर लेंगे मेले में। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आप मेले में आ गए हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें इस वाले को थोड़ा छोटा करके अगला बैकग्राउंड ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे अगला बैकग्राउंड हमें मिल जाएगा, अगला मेला कोई भी सीन आप दिखा सकते हैं, ये वाला यहाँ पे दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे करके फ्रेंड्स आप एक जादुई कहानी बड़ी अच्छी सी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए ये मेला, यहाँ पे अगला सीन आ गया है। और फ्रेंड्स ऐसे करके ये कहानी आपकी बन जाएगी और आप फ्रेंड्स काफी अच्छा कार्टून कहानी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए अगले सीन में दिखा सकते हैं, फिर चुड़ैल दिखा सकते हैं और चुड़ैल की और इनकी बात करते हुए आप दिखा सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। तो मोबाइल से ये सारे काम हो जाते हैं, अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे और काफी सारी कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।